सुनने में आया है सर कि बॉर्डर टू भी बन रही है सुनने में तो मुझे भी एंड एट द सेम टाइम आई नो कि आप सनी देओल हो और मैंने आपका वो नो इफ नो बट ओनली जाट <laughs> मैं वो शूटिंग कर रहा था अमेरिका में और वो हटे घटे लोग थे वहाँ पे जी तो मुझे ये डायलॉग बोलना था नो इफ नो बट सिर्फ जाट तो वो खड़े थे वो सब बड़े-बड़े जैसे मैंने बोला वो डर गए ऐसे एक सेकंड के लिए सब <laughs>

मैं था पर किसको really? क्या पता क्या होता है हमारी उम्र में उस दैट टाइम बचपन में हाँ बचपन में थप्पड़ पड़ते थे डफर है पढ़ाई नहीं आंदी सीरियसली सीरियसली अभी भी मैं लिखना पढ़ने में मैं काफी वो हो जाता हूँ वर्ड्स मेरे को कुछ और दिखते हैं क्या नहीं होता मेरे को मुझे बता दो करूंगा बात करने की ये है वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ द ईयर सनी देओल पाजी के साथ एंजॉय कीजिए बिल्कुल मूवी की तरह एक पॉडकास्ट बनाया हमने टी आर एस हिंदी को सपोर्ट करते रहिए और आज का एपिसोड के एपिकनेस से खुशी लीजिए नमस्ते एंजॉय द एपिसोड सनी देओल सर टीआरएस में आपका स्वागत है थैंक यू कैसे you. हो सर कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत बढ़िया बहुत खुश हूँ मेरी फिल्म गदर जिस तरह से लोगों ने उसे अपनाया है जिस तरह से वो इंजॉय कर रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वाकई में लग रहा है कि एक पिक्चर हिट हुई है वो दिख रही है नहीं तो कितनी बार कहते हैं हिट होगी पता नहीं चलता और बस यही कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर जिस जिस तरह से वो आ, मैं कितनी और मैं गया भी चारों तरफ घूम रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ बताता नहीं हूँ घरों में घुस रहा हूँ जहाँ मैं मैं वो मेरे को देख के है, हैरान हो जाते मैं उनको उनकी खुशी देख के एकदम वो हो जाता हूँ बहुत खुश हो जाता हूँ और ये नहीं है कि मैं हर तरह के बच्चे से लेके लेडीज सीनियर जिस तरह के भी सब सब बहुत बहुत प्यार मिल रहा है एंड आई जस्ट फील I'm blessed. No, you all. are. Like that's like the exact thought of the audience is ki uh, honestly I know ki aapke industry ke professionals hamesha aise phases chahte hain life mein jahan is tarah ka success mile. So there is blessings all around yeah. you. <laughs> जिस दिन reception के बारे में पता चला आपको film की reception के बारे में आ, आप रोए हाँ मैं बहुत मैं, मैं मैंने कहीं जगह कही जगह कहा है कि जब एक दिन पहले ही हमें बिकॉज अवज़ मैं जा रहा था सब जगह एवं जहाँ जहाँ मैंने बॉर्डर्स पर गया एवं टू ऑल माई फोर्सेज बिकॉज उनके साथ एक कनेक्ट है वो मुझे अपने परिवार की तरह यू नो अपना ही समझते हैं तो जहाँ भी जाता हूँ तो इतना प्यार मिलता है तो मैं सब जगह गया और ख़ास तौर मैं बॉर्डर पर गया था लोंगेवाल एंड वहाँ पर गया था बिकॉज मैंने अपनी बॉर्डर की थी उधर एंड एंड वहाँ जाके फिर से आई वॉज़ वेरी इमोशनल बिकॉज उस वक्त हम लोग ने अनैक्ट किया था और वो चीज़ें वैसे कि वैसी वहाँ पड़ी हुई हैं टैंक्स एंड एवरी थिंग तो बहुत इमोशनल हो गया था और, और बस ऐसे ही जैसे चलता गया मेरा टूर मैं फिर गुरुद्वारे भी गया था गोल्डन टेम्पल काफ़ी जगह गया सब जगह बहुत ही बहुत ही प्यार मिलता रहा और वो करते 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 मुझे और पता चलना शुरू हो गया कि एडवांस अच्छी लग रही है चारों तरफ लोग इस तरह से करें बिकॉज डर तो हमेशा ही रहता है कि ख़ास और आज के आजकल के ज़माने में बिकॉज हम पिक्चर बनाने के बाद उसके पर जो मेहनत करते हैं उससे जनता तक ले जाने के लिए तो आदमी इतना उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है कि देन आदमी चाहता है कि मुझे सक्सेस मिले को कहीं कुछ कुछ गलत ना हो बिकॉज अदरवाइज़ पहले हम लोग क्या करते थे फिल्म बनाते थे दूसरी फिल्म में चले जाते तो पता भी नहीं होता था लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उसका अपना मज़ा था अब उसके पीछे पढ़ना पड़ता है विच इज़ मे बी द वर्ल्ड इज चेंज एंड सो यू हैव टू डू ऑल दैट करना ही पड़ता है बट uh, मेरे को याद है दस तारीख थी और uh, अगले दिन पिक्चर लगने वाली थी एंड शाम को तक मुझे ख़बर मिल गई थी बहुत एडवांस बुकिंग चारों तरफ हो गई है ऐसी एडवांस बुकिंग कभी हुई नहीं तो पता नहीं अचानक से और उस दिन जी का भी उनका बिकॉज मर्जर नहीं हो रहा था वो भी हो गया और शाम को मैं मेरे को याद है मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था और पता नहीं अंदर से कुछ ऐसे फील होने लगा जैसे रब मेरे अंदर आ गया <laughs> मैंने समझ नहीं आ रहा मैं मैं आज इस नॉट आई को नॉट

and and it's just that that at at this point attention you <laughs> you know the is तो is also directed nothing to do with you no know, we we love I it know, sir. It's, I can't, I can't, family is very emotional जी. And, uh, हम हैं ऐसे एक second नहीं लगता ऐसी दुख हो या कुछ भी हो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे चेहरे पे पता चल जाता मैं झूठ नहीं बोल पाता जी तो च, च, चाहूं भी क्योंकि मेरा चेहरा बताता है साला झूठ बोलने ओके ओके कूल नहीं फेस मैं अक्सर आई गो टू माई हिमाचल में बहुत जाता हूँ बिकॉज़ पता नहीं हो पहाड़ों में तभी उसे देवों की भूमि कहते हैं अब कहाँ जाता है आई गो टू मनाली और उसके बीच में रस्ते में एक गाँव है श्यालजहाँ मैं जाता हूँ और वहाँ पर मेरे घर रखा हुआ है और गाँव के अंदर मुझे एक आ, मुझे लगता है कि मैं वापस वहीं आ गया जहाँ मैं मैंने अपना बचपन देखा है जहाँ मैं ग्रो हुआ हूँ आई मीन मैं शहर में हूँ लेकिन तीन चार पच महीने अक्सर मैं अपने गांव जाता था एंड uh, और सब कुछ जो सीखा हूं मिट्टी जो है जैसे मैं कहता हूं ना हम कहते हैं वही हमारी जिंदगी है जी? और उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता आदमी खुशी मिलती है <laughs> आदमी एकदम शांत हो जाता है ऐसे कहता है कि कोई को तकलीफ ही नहीं है जी? और वो चीजें बदलती जा रही हैं और बदल गई हैं बहुत बदल गई हैं um. मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाला सिर्फ उन लोगों को सक्सेस देता है जिनकी आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुँचनी चाहिए इवेंचुअली आई फील कि दैट्स द एक्चुअल पर्पज ऑफ सक्सेस तो <laughs> जो आप कह रहे हो मतलब सेक्युलरिज्म uh, के बारे में भाईचारे के बारे में एडुकेशन के बारे में

बहुत वो सप्लीमेंट्स लेते हैं ये सब चीजें लेते हैं जो अच्छी नहीं है आई नॉट मैं इन सब चीज़ों में मानता sure. नहीं आई डोंट किसी को करना नहीं चाहिए बिकॉज आप आप अंदर से आप अपने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि वो बनाने के लिए अपने शरीर बना रहे हैं तो उससे ताकत नहीं है ताकत उसमें नहीं है आप क्या लेते हो अपने डाइट में मैं सब कुछ खाता पीता हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये डाइट कर रहा हूँ मैं वो डाइट कर रहा हूँ और बचपन में तो मैं इतना खाता था इतना खाता हाँ। था आजकल के बच्चों को है है नो वांट टू ईट ओनली दिस 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 एंड इज आज ये डाइट डाइट वो मोला बिकम फैशन हर चीज लोग बेचना चाह रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे कि आज उन्होंने कोई नई चीज़ डिस्कवर की है जो पहले थी नहीं आई थी शायद आज अडल्ट्रेशन भी है ज्यादा खाने में इसलिए लोग बट हमारा शरीर जो है ना इसे मेरे को हमारे जो शरीर हम जो भी खाते हैं वो शरीर अंदर से निकाल के फेंक देता जो नीचे चाहिए, चाहिए hmm. आपको बिकॉज hmm. रब ने बनाया वैसा शरीर है जी 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 आपका सबसे नहीं तो तीन सबसे बड़े हेल्थ और फिटनेस टिप्स क्या है पीपल लुक अप टू यू फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक एक तो जल्दी उठना चाहिए जी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्यों सर बिकॉज सुबह आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव जैसे बनाया रब ने बनाई हुई है जो है सुबह मीन्स एंड सूरज निकल रहा है आपको उठा रहा है पूरी एनर्जी पॉजिटिव होती है जी जी. और जैसे शाम होती है तो ऑब्वियसली आप थक भी जाते हो जो भी कर रहे हो उससे ज्यादा कर नहीं सकते एंड देन इट कम्स ए टाइम जहाँ पर हमें ढल जाता है सन उसके बाद आपके सोने का वक्त है सो so, एक सिस्टम बना हुआ है और हम उस सिस्टम को तोड़ देते हैं hmm. तो वो सिस्टम को फॉलो करो वो हारमोन जो हमें करने को करवाते हैं जो हमें ऊपर नीचे उठाते हैं जी और अगर आप जल्दी उठ रहे हो उसका मतलब ये भी है आप जल्दी सो रहे हो उसका मतलब ये आपकी स्लीप ज्यादा डीप होती है सो so, वो है और उसके अलावा ईट जो चीज़ अच्छी है एंड सीजनल हो वो बेटर है मैं आई प्रिफर कि जहाँ पर भी जाओ वहाँ जो उस वक्त सीजनल है वो ही खाऊँ बिकॉज अगेन इट्स इन्वायरमेंटल थीम वो वहाँ इसलिए हो रहा है बिकॉज उस एन्वायरमेंट में वो फूड इज़ शुड बी वॉट शुड बीट जो इंसान को खाना चाहिए जबकि आज हम लोग देख रहे हैं सब जगह कुछ भी उगा रहे हैं बिच hmm. मेरे हिसाब से इज नॉट राइट बट Uh, वो बनी गया ऐसा जैसे कहेंगे ट्रीज लगा दो चारों तरफ तो भी मैं देख रहा हूँ राजस्थान में जहाँ ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए ग्रीनरी होगी बट इट्स नाइस बट इट्स इफेक्टिंग द होल एनवायरनमेंट बिकॉज वी आर अप विद द इकोसिस्टम जी ओके okay. और तीसरा पॉइंट तीसरा जस्ट बी हैप्पी बी गुड बी हैप्पी एंजॉय लव योर पेरेंट्स रिस्पेक्ट दम रिस्पेक्ट एनी एल्स वॉट दे आर एंड

वो हो जाता हूँ वर्ड्स uh, मेरे को कुछ और दिखते हैं क्या नहीं होता बट कितनी बार बोलते नहीं। हैं टेलीप्रॉम्प्टर मतलब मेरे को टेलीप्रॉम्प्टर हाँ, हाँ, मुझे बता दो क्या और मैं कोशिश करूंगा बात करने की क्या बचपन में स्ट्रगल था ये आपके लिए नहीं उस मेरा आई क्यू बहुत हाई था I had a very high IQ because school में मेरे उन्होंने test किया तो माय IQ was over 160 something it was हैं इतने कम लोगों को ये बात क्यों पता है सर ये, ये बताने की बात तो लोग आपसे ये सवाल नहीं करते हाँ शायद बात नहीं हुई okay. तो इट वाज तो बेसिकली इसलिए मैं मुझे तकलीफ होती है इसलिए मैं कितनी बार कहीं जाऊं भी तो मैं ज्यादा बोलने से इनिशियली अभी मैं अभी पता नहीं है अंदर से एग्ज़ाम से जैसे उम्र हो गई है इतनी एक्सपीरियंस हो गया तो खुल गया हूँ मैं बट शुरू में कहीं मेरे को माइक पकड़ा देते तो मैं सोचा मैं बोलूँ क्या रियली <laughs> wow, really? ओके okay. अब शाय इंसान इसलिए वो तो था ही मैं बचपन से ही था आई मीन आई डोंट नो दैट्स दैट्स समथिंग शर्माता था और दीज आर योर ओन पर्सनल थिंग्स जो आप बनते हो वैसे ही रह जाते हो okay. वो जो आपकी पर्सनल चीजें हैं ये कोई आप आ, सीख नहीं सकते या अपने आप को बना नहीं सकते जो हैं सो हैं ओके आपका बचपन कैसा था वैसे हाँ बहुत बढ़िया था मैं बस खेलते ही रहता था घर आता था मम्मी से मार पड़ती थी <laughs> <laughs> चोटें लगती थी फिर भी मार पड़ती थी क्योंकि क्यों चोटें क्यों लगी बोला था नहीं करना फिर भी पड़ती थी वॉज वेरी क्लोज टू माई दादी एंड आई थिंक ग्रेट इन्फ्लुंस ऑन मी क्यों बस शी सच अ गिविंग वूमन यू नो वो अपनों को भी uh, के जो गलत करें तो उनको भी डांट देती थी मुझे याद है पापा uh, घर पे थे हम लोग तो आ, obviously पापा से गाल निकली की होगी नौकर को कुछ कहा होगा जो काम कर रहा था तो बीजी ने सुना तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया उन्होंने उनसे बुलाया ऊपर पापा क्यों बोला उसे कहा चल अभी तू भी गाली दे <laughs> तो उस तरह के विचार थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज जो भी है गलत है चाहे अपना हो चाहे जो भी हो जो गलत है गलत है जो सही है सो सही है okay. तो

हाँ। तो नहीं मैं कुछ ऐसी इस तरह की हरकत करता था लेकिन हमेशा बच्चा शरारत तो करता रहता है लाइक मेरे पास कैटी होती थी कि किसी का शीशा तोड़ दिया या कुछ ये कर दिया तो घर था वहाँ पर हमारे वहाँ सामने बंगला था तो हम दूर से ही मारते थे वो शीशे टूटते थे कुछ होता था खुश हो जाते थे तो एक दफा मैं नीचे आ रहा था ऐसे करके तो मैं सोचा शायद पापा को पता चल गया मैं डरता डरता यहाँ से भागा उनको भी लगा कि ये कुछ गलत कर कर आ रहा है तो पता नहीं किस चीज पर क्या उन्होंने किया फिर मुझे एक

टू uh, मी मैं हमेशा कहता हूँ शायद लोगों को ऑफेंड ना हो मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा पर मेरे हिसाब से मेरे पापा जैसा एक्टर आई डोंट सी एनीबडी बिकॉज जिस तरह के रोल्स उन्होंने किए हैं जिस तरह के रोल्स में मोल्ड हो जाते थे जो करते थे चाहे वो फैमिली ड्रामा हो चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो सोशल uh, चीज़ हो इमोशनल हो चाहे वो एक्शन हो वो हर तरह के रोल्स में उन्होंने वो वो कैरेक्टर को ऐसे उभारा है कि

मैं खुशी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा हर पॉडकास्ट के पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ मेरे गेस्ट के ऊपर आपके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी मुझे बिकॉज आई न्यू आई गोइंग टू आस्क यू पर आपका एक इंटरव्यू देखा मैंने ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ आई थिंक बीबीसी के साथ था वो शायद अभी, अभी जी अभी जहाँ आप पगड़ी पहन रहे हो पगड़ी पहन वो रिमोट इंटरव्यू था मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी उसमें आपने कहा कि गदर के सक्सेस के बाद तब ऑफर स्टॉप कमिंग इन या yeah, दैन वो हो गया था uh, क्यों हुआ मुझे पता नहीं मैं उसके बाद मेरे पास uh, काम उस तरह का आ ही नहीं रहा था ना कोई चीज़ करना चाह रहा था पर देन फिर मैंने बाद में सोचना भी शुरू किया क्या हुआ पहले हमारा सिनेमा जैसे मैं अब आ, कह रहा हूँ हमारा हिंदी सिनेमा था उसके बाद हिंदी सिनेमा बदलता गया और मुझे अच्छा नहीं लगता जब बॉलीवुड बोलते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता बिकॉज हम थोड़ी ना किसी की वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड बन आई डोंट लाइक ऑल दैट मैं मैं उसमें दस सेल्फ प्राइड इन इट इट्स रनिंग डाउन और वो मेरे को समझ में नहीं आता हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं समझ बड़ी खुशी वा वा <laughs> हम इंडियन है हम पता नहीं क्यों लोगों को नकल करने जा रहे हैं और उस वक्त मेरे ख्याल से द चीज़ें uh, uh, होना शुरू हो गया पहले होता था एक प्रोड्यूसर होता था उसके खुद के पैसे होते थे कर्जा लेता था सब्जेक्ट उसको पसंद आता था डायरेक्टर लेता था तो उनको पता ये एक्टर के साथ करना है तो एक, एक परिवार की तरह हम फिल्म बनाते थे You know, आजकल लॉट ऑफ माई कलीग्स एंड लॉट ऑफ एक्टर्स जो पीछे से आ रहे हैं और आज जो यंगर जनरेशन भी उसे फॉलो कर रही है वो सोचिए नहीं मैं ये करूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊँगा मैं ये करूंगा तो मैं ऐसे हो जाऊँगा आज ही भूल गया कि हम एक्टिंग एक्टिंग करने आए एक्टर बनने आए हैं हम यहाँ पर मॉडलिंग uh, करने नहीं आए हैं हम यहाँ पर बॉडी बिल्डर बनने नहीं आए हम यहाँ पर डांसर बनने नहीं आए हम हम कैरेक्टर्स प्ले करने आए हैं और इसकी खूबसूरती यही है

वहाँ से पकड़ो हर एक्टर हर मेकर और जो कॉरपोरेट फील सेफ के वो चलिए तो यही बनाओ जी वहाँ पर ये था तो ये बनाओ तो हमारा म्यूजिक देखो कैसा हो गया है फास्ट फूड की तरह हो गया फिल्में भी वैसी हो रही हैं तो संभाव पता नहीं उस वक्त से सब चीज़ें बहुत बदलती जा रही हैं और एम वेरी हैप्पी आप लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं बिकॉज अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो वो अपने रूट्स जानना चाह रही है जी राइट right? जी वो अपनी असलियत निकालना चाह रही है वो जानना चाह रही है हम है कौन हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल गया है जी राइट right? ये सब चीजें बदलती जा रही हैं बदलती जा रही हैं जहां पर हम वी आर नॉट हमें बताया नहीं जा रहा कि हम हिंदुस्तानी हैं एंड बी प्राउड ऑफ इट हमारी हमारी हिस्ट्री सबसे पुरानी है हमारे कल्चर्स इतने पुराने हैं इतने डीप रूटेड है इसलिए इतनी कहानियां भी है हाँ इतना ढेर सारा सब कुछ है और बाहर के लोग आके हमसे सब लेके चले गए और वो फ्लरिश कर रहे हैं और हम उनकी नकल मारने में लगे हैं जब वो हमसे सब कुछ लेकर गए तो ये सब चीजें होती रही हैं और आई थिंक ये uh, the, ये परसेप्शन गेम की वजह से I think सब लोगों ने आके चीजें करनी शुरू कर क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आजकल माउंट एवरेस्ट आप ऐसे चढ़ जाते हैं hmm. कोई आपको लेके चला जाता है hmm. तो रियल लाइफ में भी आदमी बोलता मैं कैसे भी वहां पहुंच जाऊं राइट hmm. वो जर्नी नहीं लेता hmm. और एक आर्टिस्ट के लिए जर्नी बहुत जरूरी है जर्नी इस बहुत वही 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 तो खेल है उसी का तो मजा है वही चीज है अगेन सॉरी इफ आई एम क्रॉसिंग अ लाइन यू बट पिछले 20 सालों में बिटवीन गदर 1 एंड 2 कभी ऐसे दुख महसूस हुआ आपको देखिए दुख की बात मैं अब मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं जो दुख को लेके दुख दुख है नहीं नहीं अब मैं हूँ नहीं रब ने मेरे को वो मैं हूं मैं नहीं वैसा हाँ बस हो नहीं हो रहा चलो ठीक है आगे बढ़ो ये खराब हो गया तो क्या हुआ वो करेंगे ये नहीं हो रहा तो वो करेंगे करते जाओ रुको मत साहब मैं हर बच्चों को ये कहूँगा रुको मत करते जाओ लेकिन समझदारी के साथ करो ये नहीं कि जो चीज़ आपको सूट नहीं करती जो आपका जिसमें आप जा नहीं सकते उस तरफ मत जाओ अपना रास्ता ढूंढो फिर उस पर लगे रहो और अभी देख लो ना मैं जैसे कह रहा हूँ गदर आई थी उसके बाद काफ़ी चीजें ये हुई एंड अगेन मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो हजारों जिम्मेदारियाँ होती हैं और मैं उनमें से हूँ जो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझता मेरा मेरा फर्ज है करना hmm. और उसे मैं निभाना चाहता हूँ जो भी मेरे पास चीज़ है नॉट कि मेरे को हो मैं ये क्यों मेरे पास आ गया उस तरह का हूँ नहीं और, और मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी को जब मैं कुछ करूं और उसे मैं कुछ दे पाऊं और वो खुश हो जाए मैं मेरे को उसकी लालच है वो मुझे खुशी <laughs> देता है उसमें मुझे खुशी मिलती है ऑडियंस का प्यार चाहिए आपके उसमें खुशी मिलती <laughs> है मैंने कुछ दिया वो खुश हुए तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने पता नहीं कुछ किया है अदरवाइज hmm. बाकी ऑब्वियसली मनी तो चाहिए होती है अभी जैसे मेरे पास इश्यूज हैं कितनी चीजें बात की जाती हैं ये बैंक का ये वगैरह तो अभी बीच में आर्टिकल्स भी आए सब कुछ आए तो मैंने पता नहीं क्यों कर रहे हैं क्या, है, क्या है क्या हर आदमी एसेट बनाता है जब तकलीफ आती है एसेट को निकालता है ताकि वो तकलीफ से निकले सिंपल hmm. so <laughs> सर ऑनेस्टली ये न्यूज मुझ तक पर नहीं पहुंची पर अर्बन लेजेंड आई हैव इज़ दैट

और जब मेरे पर है कर्जा तो हर होता है धंधा करो तो कर्जा होता है यह? नहीं होगा चीज अच्छी नहीं होती तो आपके ऊपर तकलीफें आती हैं पर वो मेरी ही है मैं थोड़ी ना जनता या मैं थोड़ी ना पब्लिक का कुछ ले रहा हूँ तो उस पर भी जब लोग बातें करते हैं तो मैं सोचता भाई क्यों आदमी क्यों आदमी दूसरे को गिराना ही चाहता है जब इसमें गिरने की कोई बात ही नहीं है शायद तीखी कहानियां फैलती हैं शायद इसलिए सर बट आपको लगता है कि स्टोरीज प्लांट की जाती है कभी कभी पता नहीं मैं तो आ, मुझे पता नहीं लेकिन अब शोर चीज़ें की जाती हैं करवाई जाती हैं की जाती हैं नहीं तो इसका होने का हक आ, वो नहीं है और मैं हमेशा मीडिया से भी कहता हूँ भाई जितने आप रिस्पॉन्सिबल हो और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आप उसे इतना मिस यूज़ करते हो इतना मिस यूज़ करते हो कहीं कोई आदमी हो जाए उसका कहीं दंगी हो रही थी उसके जिम्मेदार तुम भी हो कहीं कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम भी हो तुम ये मत सोचो कि तुम सच दे रहे हो तुम उसके जिम्मेदार हो नहीं कहोगे तो अच्छा रहेगा शांत हो जाओ लेकिन ये जिम्मेदारी को आप लोगे नहीं पर आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं पर मैं इसी मुझे दुख होता है yeah, yeah. बहुत दुख होता है इन चीजों के बारे में okay. क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ भी था कई साल पहले रिचर्ड गेयर एंड गॉडरेज फैमिली वो कुछ करना चाह रहे थे फॉर एड्स ट्रकस ट्रकस में काफ़ी काफ़ी वो है ऑल ओवर द कंट्री काफ़ी है एड्स बहुत है उन लोगों को तो दे वॉन्टेड टू ब्रिंग दी अवेयरनेस लाना चाह रहे थे कि उनको बताने कि हम लोगों ने इतने इतने जगहों पर हम लोगों ने ये हेल्थ सेंटर्स खोल रखे हैं अगर आपको है वहाँ जाइए आपको मदद मिलेगी ये होगा आप शर्माइए मत ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने पूरे देश भर उन्होंने वो सेंटर्स खोले हुए थे और उनको पता चला कि आई एम वेरी पॉपुलर विद उन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली में हम लोगों ने आउट ऑफ दिल्ली में हम लोगों ने पूरा उन्होंने शो बनाया जहां वो उसको मीडिया को बुला के वांटेड टू ब्रिंग दी अवेयरनेस ताकि वहां जाए वहां पर शिल्पा जी भी थी हम लोग सब थे खबर वो फैली और किसी ने एड्स के बारे में बात ही नहीं की जिसके लिए सबको बुलाया गया था तो ये जिम्मेदारी किसकी थी मीडिया की जी थी जी जो जी उन्होंने जी। पूरा मिस, मिस करके सत्यानाश कर दिया पूरी चीज का था कि और वो बेचारे जिनके लिए होना था उन्हें उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और फिर कहते नहीं जी हम तो सच बताना चाहते हैं क्या सच बताना हाँ। चाह रहे हो आप क्या उठाना चाह रहे हो जैसे हर किसी को फास्ट फूड अच्छा लगता है जब एक्चुअली आपकी सब्जी आपको फायदे दे रही है, सेम so, anyway. लॉजिक मीडिया का एक बहुत कठोर सच है मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली ये मुझे खुद सीखना पड़ा कि ओके फियर नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है बट ठीक है हम बदलाव लाएंगे पॉडकास्ट के थ्रू <laughs> 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 पर हमारे हमें बचपन से ऐसे बनाया गया है माँ बाप हमें कहते हैं बेटा उठे देखो बात सही नहीं है तो झूठ बोलना सच से बेहतर है वहां झूठ बोलना सही है तो वो चीज़ हमें बचपन से पढ़ाई गई है तो लगता है कि ये जो लोग इस तरह से करते हैं शायद उन्हें माँ बाप ने नहीं समझाया मैं थोड़ी सी एक ईगोइस्टिक शायद थोड़ी सी बायस चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ आई फील कि आपके पंजाबी मेंटालिटी की वजह से आपको सक्सेस मिला जितना मैंने अब तक नेवर से डाय वॉरियर स्पिरिट पीपल्स पर्सन बिग ब्रदर एनर्जी आई थिंक बेसिक पंजाबी हैं दिलदार लोग होते हैं जी दिलदार लोग होते हैं और हमेशा हर चीज को और ना जैसे कहते हैं ना ताकी होया चलो नहीं होता अपन वो कर दे हैं ताकी होया एक और दैट इज द ब्यूटी ऑफ पंजाबीज बेसिकली सिक एम्पायर की देन है ये असली हमारे कल्चर हमारे हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री की देन है इसलिए अभी क्योंकि इतने सारे जब इन्वेजन हुए हम ही जागते हम ही थे वहां पर हमारे याँ? हमारे परदादा थे वो वो लड़ते वो उन्होंने सब कुछ किया है बस मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी नई जनरेशन भी उससे याद करे और मिसलीड ना हो हम आगे हमारे जो पूरा देश हमारा है लेकिन पंजाब हमारा एक घर है उसे उसे फिर से ठीक होने की जरूरत है वहाँ पर यूनिटी की जरूरत है वहां पर अच्छाई की जरूरत है और ये जो गलत लोग हैं उन वो उसे ना करें खराब ना करें ना करें प्लीज मेरा यही रिक्वेस्ट रहती है और बिकॉज़ uh, uh, हमारा खून ऐसा है कि हम कभी ऐसे हो जाते हैं ऐसे हो जाते हैं तो उनको सही जगह पर करो गलत मत करो। हर हर कम्युनिटी की पॉजिटिव uh, ट्रेड्स और नेगेटिव ट्रेड्स भी होती है, सही, सही है, सही है। आप भी पंजाबी हो मैं भी पंजाबी हम दोनों को पता कि हमारे कम्युनिटी की नेगेटिव ट्रेड्स क्या है थोड़े थोड़ी से वॉलेटाइल होते पैशनेट है हम हाँ, वो तो है तो वही कंट्रोल में रखो नहीं उसे रखना चाहिए <laughs> कुछ और मैसेज है नहीं मेरा मैसेज किसी के लिए नहीं है मेरा मैसेज सबके लिए है कि पापा हम समी बिलीव इन इंसानियत इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है और बस उसे लेके चलना चाहिए जब कहते हैं मिट्टी तो यही है पले हैं। hmm. पैदा हुए हैं hmm. तो हम कोई अलग नहीं है, बत, बता है सर आई डोंट नो आप कितना रील्स या शॉर्ट्स यूज करते हैं इंस्टा पे या, या यूट्यूब पे पर आजकल जब एन आर पंजाबी से कोई मिलता है रोड पे एक नया ट्रेंड आ गया जहाँ रोड पे बातें होती है बॉक्स पॉप आ, तो जब किसी पंजाबी से मिलते हैं तो पूछते हैं आप कहाँ से हो तो काफी सारे पंजाबीज कहते हैं हम पंजाब से हैं तो इंटरव्यू मतलब वो कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए इसकी रक्षा की है तो ये देश हमारा है, हम सबका है. और की, honestly, का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश में जब भी लाके like चट्टान की तरह हम खड़े हैं किसी चीज को आगे नहीं आने दिया जो कुछ हुआ अपने ऊपर लिया बच्चे उनके सेक्रीफाइस किए उफ नहीं की तो हम वो हैं ओपनिंग बैट्समैन हम, हम है टीम हमें हम आए हमें कोई नहीं रुक हमें कोई नहीं बदल सकता हाँ, अगर पंजाबी जाननी है तो बॉर्डर देखिए <laughs> याद है बॉर्डर की बहुत 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 ही 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 प्यारा कैरेक्टर था वो प्यारी फिल्म थी सर तो पिक्चर भी बहुत बहुत प्यारी थी आई I मीन mean, वो जैसे हम सारे गिरी की बात करते हैं है वही वही चीज तो वो ही वो ही थी इतने सोल्जर्स एंड इतने हजारों का सामना किया और आगे नहीं बढ़ने दिया जब वो फिल्म बना रहे थे आप क्या सोच रहे थे तब की मैंने मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी और मुझे हमेशा ये जब मैं एक्टर बना मेरा दिल था कि मैं भी मुझे भी एक आर्मी फिल्म करनी है सोल्जर फिल्म करनी है मुझे करनी करनी है तो मैं जब भी जे भी आया जो भी दत्ता साहब मेरे पास आए थे उनको कहानियाँ सुना रहे थे उस वक्त ये नहीं था वो नहीं था तो उन्होंने मुझे वॉर फिल्म करनी है तो बोला हाँ मेरे पास एक आइडिया है नाइनटीन सेवेंटी वन वॉर का लोंगे वाल वॉर बोला मुझे सुनाओ सुनाओ जैसे उन्होंने सुना बोला बस ये करनी ही करनी है और वहाँ से हमने बस पिक्चर बना दी है जवाब शूट कर रहे थे आपको लगा कि इतनी बड़ी कल्चरल फिल्म फिल्म हो जाएगी? नहीं उस वो, मैं मैं कोई भी फिल्म को इस तरह से लेता ही नहीं हूं मैं, 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 मेरा रहा है कि मैं कोई कहानी पसंद आई बहुत मजा आ रहा है बिकॉज कहानी अच्छी है उसमें एक चीज है दिल करता है उसके अंदर घुसू और मैं वो बन जाऊं तो वही करके आदमी अंदर जाता है फिर उसे बना देता है और फिर हर आदमी उस कि हर आदमी का उसके अंदर इनपुट होता है हर आदमी उतना ही अच्छा होता है हर आदमी की कंट्रीब्यूशन होती है और तब जाके वो एक फिल्म बनती है और तभी भी हमें पता नहीं होता कि पर्दे पर आके जनता उसे कैसे देखने वाली है hmm. पर हमने तो बना के दे दी और फिर जब उसे पसंद करके उठाती है तब सुकून मिलता है कि भाई हमने कुछ अच्छा ही काम किया है hmm. आ, पर आपकी कोई फेवरेट सीन है बॉर्डर से उसमें एक सीन था जो हमने रखा नहीं काट दिया था बहुत प्यारा था उनके जेपीजी के डैडी ने लिखा था उन्होंने बहुत प्यारा सीन था अभी मुझे पूरा इतना वो नहीं उसके डायलॉग्स नहीं याद है पर मुझे मालूम है मैं एंड ऑफ द पिक्चर में मैं जाता हूँ मंदिर जो था वहां पर आता हूँ वहां लाइट जल रही है पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो बंकर था टूटा हुआ था वहां पर आग जल रही है तो वहां जाके देखता हूँ तो मैं वहां जितने सोल्जर्स मरे थे सब वहाँ बैठे हुए हैं उनको देख उनसे मैं बात करता हूँ कि तू फिक्र ना कर मैं कर तेरे घर जाके छात लगाती मैं जाके तेरी माना नो कितना All that thing I'm telling them, right? Because for me they are there, and uh, तुम लोग अभी जिस में हो uh, वो जन्नत है लड़ाई नहीं होती नहीं थी थी। वो मैं पढ़ता था जैसे भी रोहरा रहा था इतना प्यारा सीन था वो उसको काट दिया था, भुण। भुण। दिया था। भुण। भुण। वो, वो था वैसा कि वो सब खड़े उनसे मैं बात कर रहा हूँ तेरा सारा कुछ हो गया तुझे फिक्र ना करो जिस दुनिया में तुम हो वहां लड़ाई नहीं होती ब्यूटिफुल सीन कट कट क्यों करी गई बस वो उस वक्त शायद लेंथ थी या जो भी था बट बहुत प्यारा सीन था बहुत प्यारा सीन था बहुत मेमोरेबल फिल्म है शायद माय फर्स्ट म्यूजिकल मेमोरी इज संडे से आते पर uh, <laughs> उसके सब गाने बहुत ही बहुत ही बहुत एवरी एवरी सॉन्ग वाज सो ब्यूटीफुल वो भी कहता हूं ना जब सब चीजें एक, एक पता है कि एक कहानी है और वो कहानी सब चीजों को इकट्ठा कर लेती है बिकॉज़ तो कहानी को उन सब चीजों की जरूरत होती है hmm. और फिर वैसे ही लोग आके और सबके रू उसके अंदर उसी तरह से आ जाती है तब जाके वो उस तरह से बन जाती है okay. uh, सुनने में आया है सर कि बॉर्डर टू भी बन रही है सुनने में तो मुझे भी है। <laughs> <laughs> तो मुझे भी आया आ, ये हम बहुत पहले भी करना चाह रहे थे 2015 में मुझे याद है लेकिन फिर उसके बाद मेरी पिक्चर नहीं चली तो फिर लोग घबरा के नहीं बनाना चाह रहे थे बिकॉज अब... <laughs> अब वो <laughs> टू, टू, टू। कैरेक्टर्स uh, जो थे ना बहुत प्यारे कैरेक्टर्स थे और आदमी वो कैरेक्टर्स को सिनेमा में आई I मीन mean, मैं भी मेरे को कोई कैरेक्टर पसंद आ जाए जो भी मैं फिल्म देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ फिर से दोबारा उसका एक्सटेंशन मिले और वो करने का दिल तो बहुत करता है लेकिन कहानी भी वैसी होनी चाहिए ताकि उस कैरेक्टर को एक जस्टिफिकेशन दे और हम जब जाएं वो उम्मीद के साथ के वो मजा आएगा वो मज़ा हमें मिले जैसे आ, मेरी फिल्म गर्द टू में जो लोगों को मिल रहा है जी आ, सर क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ मैं डेटा ड्रिवेन हूँ हु, ठीक है तो हम अपने कॉमेंट सेक्शन को स्टडी करते हैं बहुत ज्यादा देखते हैं अच्छा। कि लोग क्या पूछ रहे हैं ओके okay? पिछले चार सालों से लॉकडाउन uh, के स्टार्ट से मुझे हमेशा ये लगा कि फिल्म इंडस्ट्री मोस्टली ना डेटा को या तो नहीं देख रही जो आपने पहले कहा ना अब कि कन्वेयर बेल्ट फिल्म आ रहे थे कन्वेयर बेल्ट कन्वेबल्ट फास्ट फूड म्यूजिक वो हमें भी लगा था एज द डिजिटल वर्ल्ड एज द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूबर्स पर जब गदर टू का ट्रेलर देखा माई फर्स्ट रिएक्शन टू माई को फाउंडरवर्स यार किसी ने ना डेटा स्टडी किया है इसके लिए क्योंकि जो डायलॉग्स थे जो थीम्स थे

एक कहानी अच्छी सी बनाए okay. तो लच्छी बात बहुत कर रहे हैं मैं बोला मैं सुनूंगा पता चलेगा जब मुझे लगा उसमें कुछ बात है तो मैं जरूर करूंगा पर वो बात आनी चाहिए बिकॉज जब तक मुझे बात नहीं आती मैं बींग स्पोर्ट्स मैन अ वेरी इंस्टिंगटिव बिकॉज मैं बोलता इंस्टिंग आई योर द क्विकेस्ट आंसर आपका ब्रे, ब्रेन ने आपको दे दिया आप उसको नॉट डाउट करो और मैं हमेशा उसी पर चला हूँ

चलो बढ़िया है करेंगे जरूर करेंगे जो बनेगी पर्सनली आई वुड लव टू सी अ कारगिल वॉर सेंट्रिक बॉर्डर क्योंकि yeah, आज yeah. की जो नई जनरेशन जेंजी मिलिट्री को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है पर आई डोंट थिंक दे नो इनफ अबाउट कारगिल वॉर कि हुआ क्या था एंड ऑल दैट प्लस वी नीड अ ग्रेट कारगिल वॉर फिल्म उनकी जो एक्चुअली जो की है जो होता है वहाँ पर बिकॉज अ सोल्जर एज अ पर्सन जब वहाँ पर होता है उस वक्त वो जुनूनी ऐसा होता है जहाँ पर आप भूल जाते हो एंड uh, उनके अंदर फिर वो सरदार जाट की बात आ जाती है पता नहीं की है मत जा के आगे बस बंदा मारना है <laughs> यू you नो know, मैं अपने देश बचाना है मैं अपने बंदिया यू नो <laughs> एक एक वो वो hmm. you know, जब कितने उसका हाथ देता हूँ बोला <laughs> तो नहीं मैं उखाड़ूंगा बिकॉज मेरी बहन को जो किसी ने साले ने किया मैं तो फाड़ दूंगा उस आदमी को वो अंदर की एक हमारे अंदर वो एक चीज है जो वो वो एक अंदर वो जो एक बहन के लिए है हमारे पास वो करेंगे कोई माँ के लिए दैट दैट इज दैट इज वॉट आई डोंट नो ये तो है रुद्र रूप हाँ, कहते हैं आपका है, रुद्र है, रूप है, ये सब है okay. तो वो बोलते नहीं हो सकता मैं ना मैं करके दिखा देता <laughs>

Hmm. Right, जैसे मैं सोच हूँ वो मेरे हैं एक ऐसी बॉन्डिंग है और मुझे कहते हैं कि नहीं हम यू इंस्पायर आई सर आई कैन नॉट इंस्पायर यू बिकॉज आर माई इंस्पिरेशन फिर बोलते हैं चलिए डायलॉग बोले मैं कुछ बोल वहां था <laughs> देखो देखो तो रोमटे करोगे पर मैं <laughs> <laughs> उसके आगे नहीं हूँ आई एम श्योर की आपने उस फिल्म में

नहीं है, है। <laughs> अंदर मेरे के पंजाबी को बहुत खुशी फील सॉरी ओके आ, अभी एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो एक इंटरनेट सवाल है ये हमेशा हम पॉडकास्ट पे इंटरनेट सवाल पूछते हैं सर आ, आपके कुछ कुछ कैरेक्टर्स में ना बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे एक्सप्रेस करने के लिए आपके इंटरनल वर्ल्ड में भी गुस्से गुस्से होने की जरूरत Uh, होती है या वो आप क्रिएट करते हो नहीं मैं, मैं इसी एक्टिंग uh, हम एक्टिंग की बात करते हैं सब लोगों का अपने अपने ओपिनियन है व्हाट इज़ एक्टिंग ऑल अबाउट एक्टर क्या होता है और क्या करते हैं कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ जाते हैं वो जाते हैं मेरा बिलीफ ये है कि इट इज़ समथिंग विच इज एन आर्ट आई इट और देन इज जब हम लोग हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है कैरेक्टर्स आते हैं वाई वी गेट एक्साइटेड बिकॉज हमारे अंदर हर तरह का हर तरह का इंसान अंदर है और हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस इंसान को बाहर निकाल कर उसमें डालने की सो दैट्स वाई आई लव इट सो मच और uh, मैं फिर उसी के अंदर वो ढल जाता हूँ और मुझे मजा आता है और मुझे खुद को नहीं पता उस वक्त मैं जब सीन कर रहा हूँ कि इस सीन किधर तक चला जाएगा क्योंकि आग, मैं उसको प्री प्लान नहीं करता मेरे को बोलते हैं आपने होमवर्क किया मैंने मैंने कोई होमवर्क नहीं किया आई जस्ट दिस इज अब आई डो माई वर्क इन ऑल माई फिल्म जहाँ पर भी मैं जो करता हूँ सही गलत वो मुझे नहीं पता लेकिन मेरा यही तरीका है अब रियल लाइफ में कभी इतने ज्यादा गुस्से को महसूस कर दो मेरे हुए हैं किसे ना कभी उन्होंने झगड़े हुए हैं इसी वजह से हुए हैं बिकॉज गुस्सा उस वक्त इस तरह का हो जाता था किसी ने छेड़ा तो इस तरह से फिर मैं कर लेता था आई रिम्बर वो वॉचिंग क्रिकेट मैच हम लोग मेरे दोस्त हम लोग सब गए थे

घुमा मारना शुरू कर दिया जो भी है मैं फिर पता नहीं अंदर क्या हो गया फिर मैंने कुछ देखा ही नहीं और लड़ना शुरू कर दिया पूरा सर्कल हो गया वहां पर फिर पुलिस आई वो मुझे वहां से लेकर गई बट ये एक चीज होती है जिसके बारे में मैं जब हद पार कर लेता आदमी को इसे कर लेता तो जब ये चीजें हो जाती हैं जस्ट थैंक गॉड कि स्टेडियम में हैंडपम्प नहीं था <laughs> इस तरह से मेरे साथ धे सारे सीन किसे हुए मैं उनके ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा और मैं कहता हूँ जब कहते हैं ना कि ये जब लड़ते हैं उनकी गर्दन कट गई फिर भी लड़ रहे हैं दैट इज बिकॉज अंदर जो खून होता है ना जो खून होता है ना मैं एक दो मेरी लड़ाइया हुई थी उस वक्त खून इतना गर्म होता है मुझे मालूम है लड़ रहा हूँ मैं मार रहा हूँ मुझे वो रॉड से मार रहे हैं मुझे दर्द नहीं हो रहा मेरे पैर के अंदर रॉड घुसार भी दिया था कुछ दर्द नहीं हुआ उसी फाइट में हाँ नहीं वहाँ नहीं किसी और जगह की बात okay, okay, okay. लड़ाई हुई थी ऐसी बेवकूफो ना लड़ाई शुरू हो गई थी कोई थे ईगो की वजह से लड़ पड़े और मैं अकेला ही था मेरे साथ थे मेरे लोग वो डर के गाड़ी में ही बैठे रहे मैं अकेला ही लड़ रहा था और, और क्राउड में से कभी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तमाशा तो ही देखते कोई बीच में आता तो है नहीं और कभी यहाँ से कोई रॉड मार रहा था उसको पकड़ के मैं मारता था उसको खून -खुन खून करता था पीछे तो दूसरा के मारता था बट रब ने बहुत मेहर रखी कोई सिरते मार देता था कि यू नो बट इसी आई आई वुड एडवाइस नो बडी टू गेट इन टू इट बट जब ये होता है उस वक्त आपका अंदर का खून इतना वो हो जाता है ना सो कैन रिलेट बाई कितनी कहानियां है, सुनते हैं हिस्ट्री में कि वो ऐसे ऐसे था वो हो गया फिर भी वो लड़ रहा था सो आई 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 कैन 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 रिलेट रिलेट टू दैट इट बिकॉज यू डोंट थानी थे फिर एक दो घंटे के बाद जब घर था आया पता चला यहां से सूझ यह रहा है ये दर्द हो रहा है वो दर्द हो रहा है बिस्तर पे ऐसे लेटा पर उससे कुछ नहीं हुआ था ये फ्लो स्टेट ही है जो एक्टिंग में भी यूज होता है कि भगवान नहीं, आपके थ्रू हाँ आई मीन दैट इज दैट दैट्स मेरेकल इज दैट्स वॉट ए मेरेकल इज अभी वो कहते हैं ना गदर में भी पम कैसे उखाड़ा भाई परिवार के ऊपर ऐसी पॉइंट आ गई थी वाइफ है बच्चा है और दूसरे मुल्क में है और वो लोग ऐसे कर रहे हैं यहाँ से निकले कैसे वो तो मार देना चाहते हैं hmm. तो so, उस वक्त रब नहीं आएगा तो कौन आएगा आपके अंदर hmm. That's why we call it miracle. नहीं? 100%. पर आपकी आंखों में इतनी खुशी है ना आपकी <laughs> आंखों में इतनी जेंटलनेस है खुशी है एंड एट द सेम टाइम आई नो कि आप सानी दे वालो और मैंने आपका वो नो इफ नो बट ओनली जाट <laughs> वो वाला मैं वो शूटिंग कर रहा था मेरे घर में पर वो हटे घटे लोग थे वहां पे जी तो मुझे ये डायलॉग बोलना था नो इफ नो बट सिर्फ जाट तो वो खड़े थे वो सब बड़े बड़े जैसे मैंने बोला वो डर गए ऐसे के लिए सब <laughs> ये क्या हो गया कभी सुना नहीं इस तरह से हम्म <laughs> hmm. uh, आपने बहुत अलग अलग एराज देखे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एम आई राइट एक एक और इंटरनेट सवाल है ऑनेस्टली लॉट्स ऑफ पीपल वेरी क्यूरियस अबाउट द 90s. एंड अगर आपको इसके बारे में नहीं बात करना डोंट टॉक अबाउट इट पर अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे सवाल है इज इट ट्रू की इज इट एन अर्बन लेजेंड

और जब नहीं हो तो डरने की कोई बात ही नहीं है और हमें हमेशा प्यार से और सर उठा के जिया है और इसलिए रही ही वैसे हैं मेरा एक छोटा सा किस्सा है एंड यू नो शुड से मैं उस कॉलेज में था स्कूल में था तो ऑबली हम लोग जो यंगस्टर्स हम लोग होते हैं जैसे भी कोई लड़की है तो छेड़ छेड़ना मतलब कि कुछ भी ऐसे बोलना वो नहीं कि कोई बदतमीजी करनी तो अवस ऑन द रोड गाड़ी में हम लोग जा रहे थे तो मैंने कोई खूबसूरत लड़की थी तो मैंने शायद कुछ कहा होगा उसको फिर हम लोग आ गए मेरे दोस्त के घर में हम लोग बड़े बिल्डिंग के अंदर घुसे पीछे से एक गाड़ी आई या कि दहाड़ खड़ी होगी मतलब क्या है यू ये क्या ना मैं निकला वो कौन तेरी क्या लगता क्या है क्या ये वो वगैरह <laughs> तो पता चले उसकी बहन है देन ऑल ऑफ अ सडन माई गार्ड वेंट ऑल डाउन आई आई एम रॉन्ग इफ यू टू यूट मी गो गोट एंड मी बिकॉज आई एम रॉन्ग If 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 I if I I if I I I I damaged, or I said something to your sister. I'm wrong. Hmm. So this is the way have always existed. I'm wrong, I'm wrong. Okay. I think gifts <laughs> I mean you, आपका ताकि yeah, वैसी बोझ क्यों लेके चलना Okay. बोझ क्यों बनाना अपने ऊपर कोई okay. भी चीज का जो आपने आपको एहसास है आप गलत हो तो मान जाओ गलत हो उसमें कोई आ, आप छोटे नहीं हो जाते हैं okay. um, आप मानते हो कि भगवान आपका ख्याल रखता डेफिनेटली मैं तो हमेशा कहता तो हूँ भगवान हर इंसान के अंदर है हर आदमी के अंदर भगवान है बस उसे मानना चाहिए और उसे यकीन करना चाहिए चाहे तकलीफ हो तो तकलीफें तो तो सबको ही आती हैं ये नहीं कि सिर्फ यहाँ वहाँ होती हैं हम देखते हैं कितने ऐसे लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और आपके साथ नहीं हो रहा तो आप गुस्से हो जाते हो अपसेट हो जाते हो पर दिस इज़ ये ज़िंदगी है ये हर कोई इक्वल इक्वेशन कहीं नहीं होता बट भगवान हमेशा आपके साथ है जी हंड्रेड परसेंट सर जो आपने प्रीवियसली कहा कि आप और uh, फिर से मैं वो वोलेटिलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा cuz that's actually something i am trying to correct in myself as well <laughs> तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, और पॉडकास्ट uh, अभी हम चार साल से कर रहे हैं बट i feel कि पिछले 6 महीनों से एक साल से क्योंकि पॉलिटिकल पॉडकास्ट भी करें इट्स गॉन सुपर मेनस्ट्रीम ओके मेरे लाइफ में भी एक थोड़ी सी फेम की सडन स्पाइक हो चुकी है बात फेम की नहीं होती बात i mean i am an actor and i i i enjoy myself as an actor और उसके साथ जो भी आपको स्टार बन जाते हो फेम आता है दैट इज बिकॉज़ ऑफ योर वर्क बट उसे आदमी लेके नहीं चलता आदमी लेके चल रहा है जो वो कर रहा है नॉट जैसे तू पॉडकास्ट कर रहा है तुझे लग रहा है तू चीजें निकाल रहा है अच्छी बातें दे रहा है अपनी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को तो उसी में मगन हो रहे बाकी ये जो हो रहा है वो तो होता रहेगा पर वो नहीं है जो तू कर रहा है वो तेरी तेरी सच्चाई है पता है है और और हकीकत पता क्योंकि आज रील्स और का जमाना चल रहा लोग क्लिप ले लेते हैं हाँ, हाँ, उठा लेते हैं हाँ, sure हाँ, हाँ, बहुत 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 uh, तो मैं अगला सवाल आपको उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ क्योंकि पॉडकास्ट की एक खासियत यह है कि आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो बहुत ज्यादा आप ब्रेक डाउन कर सकते हो एक को. तो क्योंकि आपको इतना ज्यादा टारगेटिंग

बिकॉज मैं अभी इतना भाग रहा हूँ बीच में मैं अभी भागते भागते मेरी हालत बैग में कैच आ गया था फिर भी मैं लगा हुआ था बिकॉज आई हैड टू गो अ लॉन्ग विद इट और मेरे साथ कितनी बार होता है दर्द हो रहा होता है फिर भी मैं चलता रहता हूँ और ऑब्वियसली uh, फैन्स होते हैं दे लव यू यू शेयर विद मै सब कुछ करने में कितनी बार वो कहीं वो हो भी गया फिर भी हटते नहीं हैं You know, hmm. तो उस वक्त मैं ये नहीं सोच रहा कि कोई मेरे को वीडियो कर रहा है और कर रहा है hmm. मैं तो एट दैट मोमेंट का जो रिएक्शन होता है कि भाई मत करना यार हट जाना है हो गया तेरे hmm. समझ में आगे जा रहे हैं मैं उतने पहुंचना ना कर तो वो बात वो होती है ना उसके अंदर उसको मैं रन डाउन कर रहा हूँ नहीं कर रहा और वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है वो तो डेफिनेटली जिस तरह से उसके काट के जिस तरह से लोग उसको करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं उन्हें मजा आ रहा है तो खुद चलो खुश है मज़ा लें पर उसे मैं तो नहीं बदलने वाला नहीं। मैंने, मैंने 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 कुछ इस तरह की चीज़ नहीं की हाँ मैं जब करूँ तो मैं उसी वक्त उसको पकड़ी फिर बोला है मेरे गलती होगी माफ़ी कर दे मेरा उस वक्त दिमाग थोड़ा ऐसा था समझने की कोशिश कर आज मैंने आपके दिल को जाना है आराम शोर की अगर आप आज उस बंदे से फिर से मिलो उसको उसको गले लगाऊंगा मेरे को कहीं मिल गया बोलूंगा देख मैं मैं तेरे वो नहीं कर रही ऐसी बिकॉज़ आई नो आई वाज़न्ट सर ऑनेस्टली यही था आज का पॉडकास्ट <laughs> मजा आया आपको बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आई थिंक मैं बहुत कुछ बोल गया आई होप मैंने किसी को दुख नहीं दिया किसी के लिए कुछ ऐसा तो नहीं कहा बस To, you know, I to do the also है, बच्चों तक मैं चाह रहा हूँ सही चीजें जाए बिकॉज वो देख रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि हमारी असलियत क्या है हम कहाँ से आए कौन है क्या नहीं है हमारी जितने भी हम लोग स्कूल जब भी आजकल जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे हम कभी बात ही नहीं करते हमारा देश क्या है हमारी हिस्ट्री क्या है हमारा कल्चर क्या है तो वो आई थिंक जब तू तो इंटरव्यू करता है लोगों के साथ और ऐसे ऐसे लोगों से कर जहाँ से हमें जो उसी तरह से सच्चे लोग हों जो हमें बताएँ कि हमारा आ, हमारे हम कौन है कहाँ से आए क्यों हम क्यों ऐसे हैं ताकि वो उन तक पहुंचना बहुत पहुंच जरूरी है पहले अपने अपने बारे में हम हम जाने जाने फिर दुनिया की ऐसी की ऐसी तैसी <laughs> अपने बारे में तो जाने हैं हम कौन है। <laughs> नहीं हंड्रेड परसेंट सो ये मेरा एक ड्रीम पॉडकास्ट था आप मेरे लिस्ट पे थे बहुत टाइम्स आपसे बात करना था तो आज मेरा खुद का एक छोटा सा ड्रीम कंप्लीट हुआ सो आई रियली योर टाइम

तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड यार जब हम पॉडकास्ट कर रहे होता ना तो कभी कभी मुझे पता चल जाता कि हाँ अब एंड करना चाहिए ये एपिसोड तो वही फीलिंग आ गई आई विश कि हमने एक और घंटे के लिए बात किया होता सनी सर के साथ पर ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड था उनका होपफुली बॉर्डर टू के टाइम पे एक और लंबा एपिसोड करेंगे मुझे बस ये बताइए कि आप और कौन से फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स को देखना चाहोगे टी पर बहुत सारे पोलिटिकल स्पिरिचुअल साइंटिफिक एपिसोड्स हम बनाते जाएंगे यार हर वीक हम चार एपिसोड्स रिलीज़ करते हैं इट्स अ लॉर्ड ऑफ वर्क बट इट्स वर्थ इट क्योंकि ऐसे दिमागों से ऐसे दिलों से सीखने का मजा अलग ही होता है दोस्तों बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग टी हम जल्द ही लौट कर आएंगे